ये चेहरा याद है आपको? उस वक्त मेरे जैसे न जाने कितने बच्चे बचपन में तन्मय चतुर्वेदी के फैन हुआ करते थे। साल 2008 में सारे गमापा लिटिल चैंप्स वाले तन्मय को लेकर एक बुरी खबर आई है। तन्मय मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। दैनिक जागरण के रिपोर्टर शिवम वाजपेयी ने ट्वीट कर बताया है कि तन्मय चतुर्वेदी मुंह के सिल्ड से पीड़ित हैं और उनकी सर्जरी होनी है। शिवम ने यह भी बताया है कि तन्मय को आर्थिक मदद की भी जरूरत है। तन्मय की यह खबर सुनकर कई लोग उनकी मदद को आगे आए हैं, लेकिन तन्मय की ऐसी हालत देख शायद उनके फैंस बहुत परेशान हो जाएंगे। सिंगिंग सेंसेशन तन्मय चतुर्वेदी करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सारेगामापा लिटिल चैंप्स में तन्मय सेकंड रनर अप रहे थे। इसके बाद साल 2018 में तन्मय एक बार फिर रियलिटी शो सारेगामापा में पहुंचे और फर्स्ट रनर अप रहे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि तन्मय इन हालातों से जूझ रहे हैं। बीमारी तन्मय पर इतनी भारी पड़ गई कि जो कमाया सब इलाज में चला गया। बीमारी करियर को भी निगल गई। अब तन्मय के परिवार अपने बेटे को बचाने के लिए मदद की दरकार लगा रहा है। तन्मय अब कभी गा भी पाएंगे या नहीं, इस बारे में अभी कुछ भी बता पाना मुश्किल है। लेकिन तन्मय हमेशा हालातों से लड़कर जीते हैं। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने लाखों चाहने वाले बना लिए थे। उम्मीद है कि तन्मय आज भी अस्पताल के बिस्तर पर हिम्मत से लड़ रहे हैं। इधर तन्मय की मदद करने वालों का काफिला लगातार बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने तन्मय की मदद का बीड़ा उठा लिया है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तन्मय जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभी उनके आगे पूरा करियर पड़ा हुआ है। एक होनहार सिंगर को इस समय आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है।